वेलकम बैक साथियों, मैं संदीप नोखवाल। तो आज के हमारे इस ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। लाइक एंड शेयर कर दें। अभी मैं सिंगापुर में हूँ, तो आज मैं बताने वाला हूँ सिंगापुर के टैक्सी के बारे में, व्हीकल के बारे में इन्फॉर्मेशन दूंगा। किस टाइप के पुलिस व्हीकल आपको नज़र आएंगे यहाँ के, ये स्कॉर्ट व्हीकल है। और टैक्सी देखिए, ब्लू कलर में ये नज़र आ रही है आपको, टैक्सी है। इस प्रकार की टैक्सी सिंगापुर के अंदर चलती है, और बाकी पर्सनल गाड़ियाँ हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं किस प्रकार से जो पुलिस एस्कॉर्ट है, यहाँ के ट्रंक वगैरह। आज हमारा स्पेशल फोकस रहने वाला है व्हीकल पर, कैसी गाड़ियाँ हैं कैसी गाड़ियाँ नहीं हैं। तो आज हमारा स्पेशली फोकस इस चीज़ पे होने वाला है। यही चीज़ आपको दिखाऊंगा। एक और टैक्सी आप देख सकते हैं, रेड कलर की जो टैक्सी गई है, हुंडई की गाड़ी है, और जिसे आप इजीली देख सकते हैं। नज़दीक से मैं आपको दिखा देता हूँ, ये हुंडई की गाड़ी है जो आप देख पा रहे हैं। ट्रांस कैब लिखा हुआ है, पूरा का पूरा रेड कलर में है। और किस प्रकार से डेकोरेट किया गया है, टोयोटा मैंने हुंडई आपको बोल दिया था, तो ये टोयोटा की गाड़ी है। ये यहाँ के पर्सनल नंबर गाड़ी है जो आप देख सकते हैं, पर्सनल नंबर गाड़ियाँ। वो जैसे कि रेड लाइट हो चुकी है, तो रेड लाइट पर ये यहाँ पर रुकी हुई है। तो सभी साथी लाइक एंड शेयर कर दें। कुछ नए टाइप के व्हीकल जो मेरे को देखने को मिले थे, ये डबल डेकर बस आप देख सकते हैं, ऐसी बसें चलती है सिंगापुर के अंदर, जिन पर आप इजीली ट्रेवल कर सकते हैं। जब भी आप एयरपोर्ट से उतरे तो एक स्मार्ट कार्ड बनवा लीजिए, जो मेट्रो में भी चलेगा, बस में भी चलेगा, कहीं पर भी चलाइए, हर जगह चलेगा। और लगभग $20 के अंदर आपका काम चल जाएगा, लगभग 6-7 दिन का। तो ये चीज़ें हैं। और ये यहाँ की वैन आप देख सकते हैं, स्पीड 70 किलोमीटर पर हावर सिटी की स्पीड है, काफ़ी जगह कम होती है, काफ़ी जगह ज़्यादा होती है। और मर्सिडीज की गाड़ियाँ आप देख सकते हैं, डबल डेकर बसेज वगैरह आप देख सकते हैं। कुछ नई चीज़ें मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये देख सकते हैं भाई, टैक्सी वगैरह आप यहाँ से जो है लुकआउट कर सकते हैं, बहुत सारी गाड़ियाँ हैं। तो यहाँ पर जो डिलीवरी लोग साइकिल वगैरह पर कर रहे हैं, साइकिल से आप ट्रैवल कर सकते हैं, काफ़ी अच्छा मज़ा आपको आएगा। बस स्टॉप बने हैं, हर एक 1 किलोमीटर पर बस स्टॉप आपको मिलेगा, तो किसी बस स्टॉप से जो है आप टिकट वगैरह ले सकते हो, ट्रैवल कर सकते हो सिंगापुर की। कम हो चुका है, कुछ नई गाड़ियाँ आएगी तो मैं आपको दिखाऊंगा। तो ट्रैफिक वगैरह थोड़ा कम हो चुका है, शोर ट्रैफिक आप देख सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा शोर आपको देखने को मिल रहा है। और ये देख लीजिए भाई, एक बार रोड के नज़ारे दिखा देता हूँ। जब मैं बसेज वगैरह गाड़ी वगैरह, पुलिस की पास कितनी VIP गाड़ी है पुलिस की, आपने देखी वो गई है पुलिस के पास गाड़ी, ये कैब वगैरह आ चुकी है। तो इस प्रकार के व्हीकल आपको सिंगापुर के अंदर देखने को मिलते हैं। पार्किंग के अंदर कुछ गाड़ियाँ जो है खड़ी है, तो मैं पार्किंग वाली गाड़ियाँ भी आपको दिखाता हूँ। तो मैं दूसरी साइड जो है क्रॉस करता हूँ, दूसरी साइड, और क्रॉस करने के बाद आपको दिखाता हूँ कि पार्किंग के अंदर किस प्रकार की गाड़ियाँ आपको देखने को मिलेगी। मैं क्रॉस कर लेता हूँ, यहाँ पे वेंडर विला लिखा हुआ है। तो इस प्रकार से रोड क्रॉस करना है आपको, देख सकते हैं सामने रेड रेड सिग्नल बना हुआ है। तो जो हलोंडिया है वहाँ पे रेड सिग्नल बना हुआ है, वहाँ से ग्रीन होने के बाद आपको इस पाथ पे जो लाइनिंग बनी हुई है, ऐसे पैदल क्रॉस कर लेना है। ऐसे नहीं कि भाई इंडिया के अंदर मुँह उठाया रोड क्रॉस कर देते हैं। ये सिटी है तो देख सकते हैं भाई रफ्तार लोगों की किस प्रकार से है। तो यहाँ से साइकिल वगैरह से आप जो है क्रॉस कर सकते हैं। और लोंडिया देख सकते भाई, काफ़ी खूबसूरत नज़र आ रही होगी। ये यहाँ के डिलीवरी बॉय है, जिस प्रकार के स्कूटर वगैरह यूज़ करते हैं, और काफ़ी गाड़ियाँ तो यहाँ से गुजर रही है। ये टैक्सी देख सकते भाई, येलो कलर की टैक्सी यहाँ पर चलती है, पूरा जो है येलो कलर है, ब्लू कलर, येलो कलर की टैक्सी मेरे को देखने को मिली, रेड कलर की टैक्सी भी देखने को मिली। एक टैक्सी वहाँ पर खड़ी है, देख सकते टोयोटा हुंडई, यानी लग्जरी गाड़ियाँ टैक्सी में यहाँ पर चलती है, ये चीज़ें देख सकते हैं आप। और अभी जो है ग्रीन सिग्नल हो चुका है, तो यहाँ से देख सकते हैं भाई, और ये देख सकते हैं लड़की, काफ़ी अच्छी आपको लगी तो कमेंट कीजिए। आगे बस स्टॉप है, बस स्टॉप पर काफ़ी यात्री खड़े हैं, तो मैं वहाँ पर नहीं जाऊँगा, तो मैं लेफ्ट साइड टर्न लूँगा, क्योंकि कार की पार्किंग है। तो हमारा स्पेशली व्लॉग आज सिंगापुर व्हीकल पर होने वाला है। तो सिंगापुर के अंदर जिस प्रकार के व्हीकल है वो मैं आपको दिखा देता हूँ, कि हर एक गाड़ी आपको दिखाता हूँ आज कितनी VIP गाड़ियाँ यहाँ पर है। ये गाड़ी देख लीजिए,
होंडा कंपनी की गाड़ी है और ये निशान कंपनी की गाड़ी है और पार्किंग के अंदर ये लग्जरी गाड़ियाँ यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। देख सकते हो भाई लग्जरी गाड़ियाँ, मर्सिडीज की गाड़ियाँ देखने को मिल रही है। मर्सिडीज है ये, आपको BYD की टैक्सी देखने को मिल रही है। BYD की टैक्सी है, टैक्सी का जो निशान होता है कि ऊपर एक लाइट बनी होती है टैक्सी की, जहाँ पर लिखा होता है हायर या ऑन फ्री जो भी है सर्विस पे है। तो ये देखिए भाई टोयोटा की गाड़ियाँ हैं, इधर की साइड गाड़ी देख लीजिए टोयोटा की, येलो कलर की गाड़ियाँ, BMW, ये पता नहीं कौन सी कंपनी है भाई, जो भी है काफ़ी ज़बरदस्त आपको गाड़ी है। रेंज रोवर आपको देखने को मिल रही है, एक बार फिर से मर्सिडीज की लग्जरी गाड़ी आपको देखने को मिल रही है, काफ़ी बेहतरीन गाड़ियाँ आपको देखने को मिल रही है। और निशान की गाड़ी आगे आप देख सकते हैं और हर एक VIP गाड़ी यहाँ पर आपको देखने को मिलती है। तो थोड़ा सा आगे और चलता हूँ, आगे देखता हूँ कि भाई क्या कुछ चीज़ें आपको देखने को मिलेगी। थोड़ा सा आगे और चलता हूँ मैं, एक गाड़ी और लगी जो मेरे को काफ़ी खूबसूरत लगी, ये गाड़ी देखी भाई, गाड़ी का बैक लुक देखिए, पोर्शे, ये पोर्शे गाड़ी है जो यहाँ पर आपको देखने को मिल रही है। पोर्शे गाड़ी आप देख सकते हैं, और यू कैन सी हियर, और अगेन आप देख सकते हैं भाई इस कंपनी के बारे में मेरे को नहीं पता, मर्सिडीज तो हर कोई जानता है। तो ये गाड़ियाँ यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। तो अब मैं नियरबाई मेट्रो पहुँच चुका हूँ, तो अब मैं और बोटानिकल गार्डन जाऊँगा, तो वहाँ का नज़ारा भी आपको दिखाऊँगा। तो बने रहिएगा संदीप ब्लॉग के साथ, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर कीजिए, फॉलो कर लीजिए। जय हिंद साथियों।